ट्यूब रोड कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इथियोपिया इंपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है। इथियोपिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू इथियोपिया, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम इथियोपिया, उसके ऊपर हम वीडियोज बना चुके हैं। कैसे आप इथियोपिया को एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आपको इथियोपिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू इथियोपिया ट्यूब रोज कॉरपोरेशन, तो मेरा पुराने वाले वीडियोस आप देख सकते हैं इथियोपिया के ऊपर। तो ऑलमोस्ट ऑल अफ्रीका के जितने सारे कंट्रीज है, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिकास, एशियन कंट्रीज़ के ऊपर, हर कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ बना चुके हैं हाउ टू एक्सपोर्ट टू ऑल दोज कंट्रीज। कैसे कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, हम वीडियोस बना चुके हैं। फिलहाल जो हम बना रहे हैं वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस है। फिलहाल ये कंट्रीज क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो टॉप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट को आप इमीडिएटली सोर्स करके एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इथियोपिया 2020 कोविड से पहले काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करता था। उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा था। 2020 से पहले 2019-2020 में करीब 14.1 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था इथियोपिया। एक अफ्रीकन कंट्री है, आदिस अबाबा इसका राजधानी है, एंड इस देश का जो पॉपुलेशन है 11.79 करोड़, यानी 11 करोड़ का पॉपुलेशन है, 11 करोड़ 79 लाख का पॉपुलेशन है। बड़ा मार्केट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, तो आप इस कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इथियोपिया 2021 में कोविड के बाद 21-22 में बहुत कम 2.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, और धीरे धीरे अब इंपोर्ट अभी बढ़ रहा है क्योंकि कोविड के वजह से उनका इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो चुका था। पॉपुलेशन ज़्यादा है, परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, क्योंकि इथियोपिया भी बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट इथियोपिया फिलहाल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया टू इंडिया, चाइना एंड यूरोपियन कंट्री से, ताकि आप इन प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इन्हीं प्रोडक्ट को सोर्स करके इथियोपिया को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्राई कर लीजिए। तो आइए मैं दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फिलहाल इथियोपिया इंपोर्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट इथियोपिया इंपोर्ट कर रहा है, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो पहला है इथियोपिया इंपोर्ट्स फर्टिलाइजर्स। फिलहाल इंडिया में तो इतना नहीं है, इंडिया इंपोर्ट्स करता है रशिया से, तो फर्टिलाइजर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू इथियोपिया। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ऑल अफ्रीकन कंट्रीज इंपोर्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकते हो इथियोपिया। उसके बाद प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट, प्लास्टिक का जितने सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आयरन स्टील, सीरियल्स, एनिमल वेजिटेबल फैट, ऑयल एंड वैक्सेस एक्सपोर्ट कर सकते हो। व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स एंड आपका जो बाइक्स वगैरह, मोटर बाइक्स एंड व्हीकल्स, कार्स एंड हैवी व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, इक्विपमेंट, व्हीकल्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह। मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल, मशीनरीज इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, तो देख लीजिए मैं लिस्ट करके बता रहा हूँ। सो मैंने आपको लिस्ट करके दिखा दिया इथियोपिया टॉप प्रोडक्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो जैसे आपको नाइजीरिया का वीडियो में बताया था, इथियोपिया भी बहुत सारे कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। तो यहाँ का जो मेल एंड फीमेल, स्पेशली द फीमेल, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए जितने सारे ब्यूटी पार्लर में यूज होता है प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इथियोपिया। एंड ह्यूमन हेयर, यहाँ का लोगों का, अफ्रीका में ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इजिप्ट को छोड़ के, लोगों का सर पे बाल का प्रॉब्लम होता है, बाल कम उगता है, तो अफ्रीका का हर कंट्री को आप इजिप्ट, मोरक्को एंड मॉरिशस को छोड़ के, मोस्टली ऑल द कंट्रीज इन अफ्रीका
तो आप भेज एक्सपोर्ट कर सकते ह्यूमन हेयर, ठीक है। बाल इंडिया से बहुत सारे हेयर एक्सपोर्ट होता है तो अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है। तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ है, 54 कंट्री में 3-4 कंट्री को छोड़ के बाकी कंट्री को आप ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इथियोपिया के बारे में बात करते हैं, इथियोपिया बहुत सारे फूड प्रोडक्ट, FMCG प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तेल, साबुन और वगैरह जितने सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू इथियोपिया। और आपका गारमेंट्स टेक्सटाइल भी जाता है, बहुत सारे टेक्सटाइल गारमेंट जाता है इथियोपिया को। इथियोपिया शुगर इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, तो शुगर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो टू इथियोपिया। और मशीनरीज, इथियोपिया में भी कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, इंडस्ट्रियल मशीनरीज का ज़रूरत पड़ता है लार्ज इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जितने सारे मशीन्स यूज होता है, तो आप ये सोर्स करके या फैक्ट्री से या आप मैन्युफैक्चरर हो तो ये मशीनरीज को आप एक्सपोर्ट कर सकते टू इथियोपिया, ठीक है। और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट वगैरह एक्सपोर्ट होता है, जितने सारे पॉलिसेस भी एक्सपोर्ट होते हैं, तो पॉलिसेस भी दाल वगैरह इथियोपिया एक्सपोर्ट करता है, कभी कभी इथियोपिया इम्पोर्ट भी करता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको बता दिया, प्रोडक्ट को आप सोर्स करके भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इथियोपिया। इथियोपिया में भी इंडियंस लोग काफ़ी सारे पहुंच चुके हैं, वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ का ज़मीन को लीज लेकर वहाँ पर खेती करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को। और इंडियन वहाँ का इंडियन लोग जाकर वहाँ पर सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट्स वगैरह स्टार्ट कर चुके हैं। इथियोपिया में कैसे बिजनेस करोगे, कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कितना पैसा खर्चा आएगा, उसके ऊपर वीडियोज़ बना चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहेंगे तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन इथियोपिया, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इथियोपिया के बारे में बता दिया। तो फिलहाल इथियोपिया 2021-20 में ये प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर रहा है, हो सकता है 2023 में भी ये प्रोडक्ट इम्पोर्ट करेगा। तो ये प्रोडक्ट को भारत से आप अलग अलग राज्यों से सोर्स करके इथियोपिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इथियोपिया से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ पुराने वाले वीडियो में। सेम प्रोसीजर है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करिए। अगर आपके पास बजट है तो इथियोपिया में जाइए, इथियोपिया में मार्केटिंग करिए। इथियोपिया एक फ्रेंडली कंट्री है टू इंडिया। इथियोपियन एयरलाइंस मुंबई टू इथियोपिया फ्रिक्वेंटली फ्लाइट है, हफ्ता में 4-5 दिन फ्लाइट्स रहता है, तो मुंबई टू इथियोपिया फ्लाई कर सकते हो। इथियोपिया को जाने के लिए इंडियन सिटीजन को वीज़ा का जरूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल आपको वहाँ पर वीज़ा मिलेगा, फ्री वीज़ा मिलेगा। इथियोपिया में भी पहुंच के आपको वीज़ा मिल जाएगी। तो इथियोपिया में 30 डेज से लेकर 90 डेज लेकर आप मार्केटिंग कर सकते हो। और इथियोपिया में आप जो दुकान सुपरमार्केट्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, कैफे रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। इथियोपिया में इंडियंस का बिजनेसमैन का काफ़ी अराइवल हुआ है, इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट्स का भी काफ़ी वहाँ पर बढ़ रहा है, इंडियन रेस्टोरेंट्स। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स कैसे स्टार्ट करोगे इन इथियोपिया, मैं आने वाले वीडियोज में आपको बता दूंगा, ताकि अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हो इन इथियोपिया, आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। इथियोपिया में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फ्रेंडली कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो इथियोपिया में आप स्टार्ट कर सकते हो अपने बिजनेस। और इंडिया से प्रोडक्ट सोर्स करके इथियोपिया में आपका शॉप में आप रिटेल में सेल कर सकते हो। इथियोपिया में आप डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा बहुत फास्ट आपका प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो या री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं डिटेल्स में बता दिया इथियोपिया के बारे में, अगर इथियोपिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ये प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट को सोर्स करके एक्सपोर्ट कर पाओगे। इथियोपिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, तो इथियोपिया में बहुत सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड पोर्टल है, उसमें रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। और ऑनलाइन में सर्च करिए हु आर द बायर्स इन इथियोपिया, ठीक है, गूगल में सर्च करिए, सर्च इंजन में स्टार्ट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। तो इथियोपिया के जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल से मैं पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, तो पुराने वीडियो देख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू इथियोपिया, उसमें मैं बता चुका हूँ इथियोपिया में कितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स हैं। और ऑनलाइन में आप सर्च कर सकते हैं द बायर्स, लिस्ट ऑफ बायर्स इन इथियोपिया। एग्जाम्पल, आप बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बायर्स इन इथियोपिया, तो बहुत सारे कंपनीज आपको दिखाई देंगे। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो फूड प्रोडक्ट, तो फूड प्रोडक्ट बायर को भी सर्च कर लीजिए। और इथियोपिया में भी सेम है, अफ्रीकन कंट्री में जैसा बताता रहता हूँ, अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा करके रेडियो लोग सुनते हैं, तो रेडियो में अनाउंस करिए, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करिए, टीवी में एडवर्टाइजमेंट करिए, वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर में। इथियोपिया में करीब 4 मेजर लैंग्वेज चलता है, तो 4 मेजर लैंग्वेज में उनका न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, इंग्लिश में भी पब्लिश होता है। वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डालिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो, आपका प्रोडक्ट ये है, तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं टू इथियोपिया, और इथियोपिया से आपको चाहिए
इम्पोर्टर्स और बायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, तो बहुत सारे लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा, डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप इथियोपिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हैं। अगर आपको हमारे से, हमारे कंपनी से, मुझसे कुछ असिस्टेंस चाहिए टू मार्केट इन इथियोपिया, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरी मदद करूँगा हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम इथियोपिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम आता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जितने सारे जो वीडियोज़, लेटेस्ट वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।